बाय वॉट लीस्ट नंबर शुड 7776 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 7776 को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना होगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 7776 को हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको हम लास्ट में 6 है, इवन है, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट देते हैं। 2 3 6, 1 कैरी चला गया, 2 8 16, फिर 2 8 16 एंड 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है, इवन है, तो 2 19 38 हो गया, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 9 18, 2 7 14 एंड 2 2 4। अगेन 2 से काटेंगे, 2 4 8, 2 8 16 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। अब ये 243 हो गया, ये 3 से कटेगा, तो 3 8 24 और 3 1 3, तो ये हो जाएगा 327, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 5 times है, यहाँ पे 5 times 2 लिख लेते हैं। अब 3 भी 5 times है, तो यहाँ पे 2 का पेयर बाहर आएगा 2, और 3 के भी 2 पेयर बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, जबकि अंदर 2 multiply 3 रह जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, हो जाता है 36, और ये रूट 6। इसका मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर 6 है, तो लीस्ट नंबर 6 ही होगा जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, सो 6 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर और जो स्क्वायर रूट होगा परफेक्ट स्क्वायर का वो आ जाएगा 36। तो 36 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर।